धम्म दीप प्रकाश उत्सव या धम्म दीप दान उत्सव या दीपावली या दिवाली पे जो लोग होते हैं उनमें एक आम प्रचलन होता है जुआ खेलने का, गैम्बलिंग का, ताश खेलने का, यानी कि वो अपने जो पैसे हैं उनको दांव पे लगाते हैं और ताश के पत्ते फेंके जाते हैं या गोटियां फेंकी जाती हैं या शर्त लगाई जाती है और वो बिना कमाए ही दूसरे पक्ष को मिल जाती है या नहीं भी मिलती, यानी कि लॉस भी होता है और बेनिफिट भी होता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। ये लगभग पूरे भारत में दीपावली पे इसको एक शगुन के रूप में माना है। शगुन का मतलब है मंगलकारी और अच्छा माना है। कहते हैं कि उस दिन जुआ खेलना, गैम्बलिंग करना अच्छा होता है, शुभ होता है। बेसिकली जुआ खेलना दुनिया में कभी भी अच्छा नहीं होता, मगर यहाँ क्या मतलब है इसका, ये देखें, थोड़ा सा समझ लें। जो धम्म दीप प्रकाश उत्सव है उसमें जो प्रकाश दिया जा रहा है, प्रकाश दिया जा रहा है, वो धम्म का दिया जा रहा है। और जो भगवान बुद्ध हैं या उनके शिष्य हैं, जितने भी भिक्खु हैं, वो लगातार 365 दिन धम्म दीप प्रकाश देते हैं, यानी धम्म का दीप जलाते रहते हैं और प्रकाश को फैलाते रहते हैं। यहाँ जो जुए का नाम है पाली भाषा में उसको बोलते हैं धुतांग, और धुतांग को बाद में ध्रुत किया गया। ध्रुत शब्द पाली का नहीं है, धुतांग को ही ध्रुत किया गया और ध्रुत को बाद में जुआ बताया गया, गैम्बलिंग बताया गया। बेसिकली धुतांग का मतलब गैम्बलिंग, जुआ या ध्रुत नहीं है। धुतांग का मतलब है जो विपस्सना के जितने भी नियम हैं, जो विनय के नियम हैं, उनको धुतांग बोलते हैं। यानी कि जब आप धम्म प्रकाश लेंगे, धम्म का प्रकाश लेंगे उस खास अमावस्या को या 365 दिन में कभी भी, तो आपको धुतांग के नियमों का पालन पहले करना पड़ेगा। धुतांग आपको प्ले करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा या रखना पड़ेगा, क्योंकि ये विपस्सना करने की एक आवश्यक प्रक्रिया है धुतांग। इसलिए जब पूरा का पूरा धम्म ही खराब हुआ और बदला गया तो धुतांग का क्या करें। तो धुतांग को, क्योंकि धुतांग विनय के नियम हैं और धम्म के नियम हैं, तो धुतांग को ध्रुत में बदला और ध्रुत को ध्रुत क्रिया से, कीड़ा से, और ध्रुत कीड़ा या ध्रुत गेम को बदला, जो आपने देखा होगा जिसको चौपड़ बोलते हैं, यानी चौपड़ में और ध्रुत क्रिया में दोनों सेम वर्ड हैं और चौपड़ का बाकायदा खेल बताया गया जो जुआ है। पूरे भारत में कहीं भी जुआ खेलने का या गैम्बलिंग का कोई प्रचलन कभी नहीं रहा। अगर होता तो त्रिपिटक साहित्य में जरूर कहीं ना कहीं अंकित होता। ये बाहर का आया हुआ है, यानी गैम्बलिंग जो आई हुई है वो यरूशलम से आई हुई है। भारत के लोग कभी भी किसी की संपत्ति बिना मेहनत के कभी नहीं लेते थे। वो जितना मेहनत करते थे उतना ही वो अपना हिस्सा लेते थे। यहाँ ऐसी परंपरा नहीं थी कि कोई कमाए और दूसरा उसका जुए से या शर्त लगा के और बिना मेहनत के ले ले। जुआ दरअसल सबसे गंदा काम है। किसी आदमी की मेहनत को, किसी आदमी का जो फल है या उसका जो धान है, उसको बिना मेहनत के दाव लगा के, उसको उकसा के या उसको चढ़ा के और छल कपट से उसको अपने हिस्से में कर लेना, और अगर वो देने को राजी ना हो तो फिर वहाँ लड़ना, ये सबसे घटिया पापों में आता है, सबसे बेकार चीज़ में आता है। इसलिए इसको ध्रुत नाम बोला गया, क्योंकि धुतांग बहुत अच्छा नाम था, धुतांग बहुत अच्छा काम था। और ये एक धम्म प्रकाश उत्सव का या धम्म दीप दान उत्सव का या धम्म सीखने का सबसे पहला विनय का नियम था। इसलिए जब भी आप कभी दीपावली खेलें तो उस पर जुआ ना खेलें, बल्कि धम्म दीप प्रकाश में धम्म को सीखें और धम्म को सीख के धम्म के जो धुतांग के नियम हैं, जो विनय के नियम हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।